जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द वैंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि रेलवे में 2018 के बाद ये भर्ती नहीं आई है। तो इसके लिए आपको बता दूं, जैसे कि आपकी जो भर्ती है RPF की, RPF और RPF SI की जो भर्ती है, RPF SI और RPF कांस्टेबल, ये दोनों भर्ती टोटल मिलाकर 10,000 प्लस पद आपके आने वाले हैं। कितने पद? 10,000 प्लस पद आने वाले, क्योंकि 2018, ठीक है, 2018 के बाद इसकी कोई भर्ती नहीं आई, और अब हो चुका है हमारे पास 4 साल। और ये कब आई थी? जब आपका चुनाव था 2000, ठीक है, जो अब इलेक्शन था PM का, जब आई थी 2019 में, और अब आपका इलेक्शन कब है? 2024 अप्रैल में है, ठीक है। और ये भर्ती कब आई थी? फरवरी 2018 में आई थी। तो आपका कब? 2024 में अभी चुनाव है, तो 2024 में चुनाव है, तो ये भर्ती कब आ सकती है? तो दिसंबर 2022 में या जनवरी 2022 में आपकी ये भर्ती आ जाएगी, और 2024 से पहले इस भर्ती को क्लियर करना होगा, तभी आपका जो चुनाव है इसका नतीजा निकलेगा। तो आप सब समझ सकते हो कि आपकी जो RPF SI और RPF कांस्टेबल, इसकी भर्ती कब आने वाली है? तो दिसंबर 2022 या जनवरी 2022 में आपकी जो है वो आने वाली है, तो आपकी RPF SI, RPF कांस्टेबल। तो इसमें क्या क्या योग्यता होती है, क्या क्या क्वालिफिकेशन, अर्थात आपका जो फिजिकल होता है, क्या सिलेबस है, ये सब आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या एज लिमिट है, सब कुछ इसी वीडियो में देखना है आपको। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ देखिए, आपके सामने सबसे पहले अगर बात करूँ दोनों की एज की, तो दोनों की जो आयु है, तो यहाँ देख सकते हो जो SI है, RPF SI, इसमें जो एज लिमिट है वो है 20 से 25 वर्ष जनरल वालों के लिए, ठीक है, 20 से 25 वर्ष जनरल वालों के लिए है। OBC की बात करूं तो OBC को इसमें 3 वर्ष का छूट मिलती है, और इसमें SC और ST की बात करें तो इसमें 5 वर्ष की इन्हें छूट मिलती है। तो 3 वर्ष की छूट OBC वालों को मिलती है, 5 वर्ष की छूट किसको मिलती है? SC और ST वालों को मिलती है। अगर कांस्टेबल में बात करें तो कांस्टेबल में जो आपकी उम्र सीमा है वो 18 से 25 वर्ष है, और छूट की बात करें तो वही OBC को भी 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, और SC और ST को कितने वर्ष की छूट मिलेगी? तो टोटल यहां पर 5 वर्ष की ST SC को छूट मिलेगी। और अगर बात करूं क्वालिफिकेशन की, तो देखिए दोनों की क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये रही क्वालिफिकेशन की, कि इसमें कितनी योग्यता है। SI के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए, एनी स्ट्रीम आपको किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इसमें आपको कांस्टेबल में 10वीं पास होना अनिवार्य है, ठीक है। RPF कांस्टेबल के लिए सिर्फ आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। अगर हाइट की बात करें तो दोनों में RPF SI और RPF कांस्टेबल में हाइट के देखा जाए तो जो मेल की हाइट रहेगी वो जनरल OBC और SC वालों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रहेगी, और ST वालों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है। और फीमेल में बात करें तो फीमेल में जो रहेगी आपकी जनरल OBC और SC वालों की हाइट 157 रहेगी, तथा ST वालों के लिए जो हाइट रहेगी वो 152 सेंटीमीटर रहने वाली है। तो SI में भी यही हाइट रहेगी, और आपके जो कांस्टेबल है उसमें भी यही सेम हाइट रहने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ बात करें इसका पेपर पैटर्न कैसा होता है, तो इसके पेपर पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो आपका सबसे पहले किस तरह से इसका एग्जाम होगा, PET होगा, फिजिकल होगा, सब कुछ, और मेरिट कैसे बनेगी, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रोसेस की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपका फॉर्म डलता है उसके 2 से 3 महीने बाद। अभी तो वैसे आपको 6 महीने लग सकता है फॉर्म के बाद, तो आपका जब भी फॉर्म अप्लाई होगा उसके 3 से 4-5 महीने, जब भी एग्जाम होगा तब आपका CVT एग्जाम होता है, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसमें आपका जो है वो देखा जाता है कि आप इसमें पास होते हैं या फेल। तो यहाँ पर आपका जो रहता है, फर्स्ट बात करें तो इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 120 क्वेश्चन आते हैं। टाइमिंग आपको मिलता है 90 मिनट का,
समय आपको 90 मिनट मिलता है। एसआई में भी यही सिलेबस है और आपका जो है कॉन्स्टेबल उसमें भी आपका एक ही एग्जाम होगा, सीबीटी बेस्ड एक एग्जाम जिसमें 120 क्वेश्चन होने वाले हैं, 90 मिनट मिलेगा एसआई कॉन्स्टेबल दोनों में। उसके बाद होता है आपका पीईटी अर्थात फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो ये क्या होता है आपका, जो होता है आपका फिजिकल निकालने का, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी मेरिट आती है, मेरिट के बाद आपका होता है डीबी एंड मेडिकल होता है, ठीक है, डीबी एंड मेडिकल होता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए इसका जो एग्जाम है वो किस तरह का रहने वाला है, तो यहाँ देखिए एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो एग्जाम होता है 120 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, जिसमें से 35 क्वेश्चन जो कि रीजनिंग के होते हैं और 35 क्वेश्चन मैथ के होते हैं और 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस जीए अर्थात जीके जो भी भूगोल अर्थशास्त्र आपका और इकोनॉमिक बात कर लेते हैं इतिहास संविधान जो भी आपके लूसेंट के और जो भी अदर जीके होते हैं जनरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड जनरल अवेयरनेस अर्थात आपके जो करंट अफेयर है इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं ये 50 नंबर में आते हैं, ठीक है, जीके जीएस और जीए का। तो ये आपके हो गए टोटल 120 क्वेश्चन। यदि आप इसमें से 85 प्लस नंबर करते हैं, अगर आप इसमें 85 प्लस नंबर किसी भी जोन से करते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीट जो रहती है वो ज्यादा नहीं रहती है, 10,000 प्लस रहेंगे जिसमें से आपकी जो रहेगी वो इसमें एसआई और कांस्टेबल दोनों शामिल रहेगी पोस्ट में, ठीक है। तो यहां अगर बात करें पीईटी की तो फिजिकल की बात कर लेते हैं, तो दोनों के फिजिकल को देखा जाए तो देखिए पीईटी में फिजिकल में क्या क्या होता है, तो 1600 मीटर की रनिंग होती है दोनों में, आरपीएफ एसआई में भी 1600 मीटर की रनिंग होती है और आरपीएफ कांस्टेबल में भी 1600 मीटर की रनिंग होती है। तो यहाँ बात करें आरपीएफ एसआई वालों को टाइमिंग थोड़ी ज्यादा दी जाती है, इन्हें 6.5 मिनट अर्थात 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाता है और आरपीएफ कांस्टेबल में 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाता है, ठीक है, 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाता है। अगर बात करें लॉन्ग जंप की तो इन्हें 12 फीट लॉन्ग जंप करना होता है, ठीक है, इन्हें कितने फीट, 12 फीट लॉन्ग जंप करना होता है और इन्हें 14 फीट लॉन्ग जंप करना होता है, कांस्टेबल को 14 फीट एसआई को 12 फीट, ठीक है। हाई जंप की बात कर ले तो 3 चीज इसमें होती है, लॉन्ग जंप हाई जंप और रनिंग, ठीक है, ये आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर बात करें 3 फीट 3 फीट 6 इंच, यहाँ आपसे गलती से 9 लिखा गया है, 6 इंच आएगा, ठीक है, एसआई के लिए 6 इंच रहता है और जो कांस्टेबल होता है इसके लिए 9 इंच रहता है, ठीक है, 3 फीट 9 इंच कांस्टेबल हाई जंप करेगा और जो एसआई होगा वो 3 फीट 6 इंच करेगा, ठीक है। गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए यहाँ पर बता दूं कि क्या क्या रहने वाला है फिजिकल में, तो देखिए गर्ल्स में जो पिछली बार कट ऑफ गया था बहुत कम गया था, परंतु अब की बार जो कट ऑफ रहेगा वो ज्यादा जाएगा। यहाँ देखिए रनिंग की बात करते हैं गर्ल्स की, तो इनकी जो रनिंग रहती है टोटल गर्ल्स के लिए 800 मीटर रनिंग रहने वाली है, एसआई हो या कांस्टेबल, और 4 मिनट का आपको समय मिलेगा। इसमें आपको लॉन्ग जंप भी रहने वाली है, तो लॉन्ग जंप जो रहेगी वो रहेगी आपकी 9 फीट, ठीक है, लॉन्ग जंप 9 फीट रहने वाली है। हाई जंप की बात करें तो हाई जंप आपका 3 फीट रहने वाला है, जो गर्ल्स है इनके लिए हाई जंप 3 फीट रहने वाला है। तो दोस्तों ये था आपके लिए जो आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल की जो भर्ती आने वाली है इसके बारे में हमने आपको पूरी चीज बता दी है। तो इसमें क्या क्या होने वाला है आपका पूरा सिलेबस, मतलब आयु सीमा और जो एग्जाम पैटर्न है, इसके अलावा जो भी प्रोसेस होती है, हाइट और ये सब आपको बता दिए फिजिकल के बारे में। आपकी जो कांस्टेबल की भर्ती आरपीएफ की वो बहुत जल्दी आने वाली है, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी में लग जाइए जल्दी। इस पे आपको प्रीवियस ईयर जो कांस्टेबल आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल के जो पेपर थे उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। आप अपनी तैयारी जारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं। जय, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों।